आज हम बात करेंगे अपना इंड एस 37 जिसका नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट, उसके अगले पार्ट के बारे में। उसके अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंड एस 37 जिसका पार्ट वन आपने देख लिया है, ये पार्ट टू है। पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू में पहली चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आप प्रोविजंस बना सकते हो। दूसरी, अगर आप बना सकते हो तो मेजरमेंट कैसे निकाली जाएगी, हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोविजंस डेफिनेटली। और फिर अगर हो सका तो हम लोग स्पेशल केसेस भी कुछ कवर करेंगे प्रोविजंस के। ओके, सो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। सो विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशन से। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए टू क्रिएट अ प्रोविजंस। सो लेट्स मेक अ हेडिंग एंड दैट हेडिंग वुड बी डेफिनेटली conditions। What are the conditions required for provisions? Let's talk one by one. There are three conditions basically. First one is पहला क्या बोलता है एक्सक्यूज मी, ठीक है, खांसी आ रही, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, उसमें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट में वो पेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में हो, डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट विच कैन बी लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, विच कैन बी लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन and which arising due to past event। And this whole is called obligating event। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि obligating event क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो पहली बात एक एक करके देखते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और वो एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि विच कैन बी अ लीगल, वो लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, दोनों ऑब्लिगेशन हो सकता है। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन जैसे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी आज जो ऑब्लिगेशन बनती है पे करने के लिए या फिर आने वाले समय में पे करने की ऑब्लिगेशन बन रही है, दिख रहा है आपको, तो फिर वो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए प्रोविजन बनेंगे। पहली बात तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है आपको मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ एक एक करके। हालांकि हमने बोला था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, बट यहाँ पे कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बोलना जरूरी है। बेसिकली प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज नथिंग बट जिसका ऑकरेंस सर्टेन रहता है। कोई भी चीज़ जो ऑब्लिगेशन हो उसका ऑकरेंस जो है वो सर्टेन है। सर्टेन बोले तो मोर देन 50% चांसेस है कि वो होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कोई भी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, कोई भी लायबिलिटी आपको अराइज होती है, तो उस केस में आपको ये अगर सर्टेन लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरे को ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको सेटल कर दो,
और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, सो दैट इज व्हाट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस. ओके, तो कंडीशन फॉर प्रोविजन, पहली बात तो एकदम दृढ़ निश्चय से समझ लो कि भाई दृढ़ निश्चय क्यों, मतलब ये बात तो फिक्स कर लो कि ये चीज़ होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए जिसका ऑकरेंस मतलब शर्टिन लग रहा हो और मोर देन 50% लग रहा हो. और ये कैसे राइज हो सकती है, जैसे मैंने बोला इट विच कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन. अब लीगल ऑब्लिगेशन में जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई लॉ है, वो अगर आपको बोलता है तो ठीक है. फिर बात आती है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज नथिंग बट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन. एक वैलिड एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट किए कि हाँ भाई तेरे को आज पैसा इस महीने में सल्टा देंगे, 6 महीने में सल्टा देंगे, 6 महीने की वारंटी दे रहा हूँ, 6 महीने में कोई दिक्कत होगा मेरे यहाँ लाता हूँ. तो वो एक आप व्हाट वी कैन से एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के माइंड में. सो पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर प्रोविजंस में पहला कंडीशन कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जिसका मतलब कि ऑकरेंस जिसका शॉर्टन हो, मोर देन 50% चांस हो, और विच कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. और वो अराइज होता है किससे, पास्ट इवेंट से, दैट इज ऑब्लिगेटरी इवेंट. अब ऑब्लिगेटरी इवेंट क्या होता है, ऑब्लिगेटरी इवेंट अगर आप पूछो कि ऑब्लिगेटरी इवेंट क्या होता है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ऐसा ऑब्लिगेटरी इवेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सेटल करना ही इज ओनली वन वे, सेटलमेंट ही उसका एक रास्ता है, उसको मतलब आपको सेटल करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं. तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से आपके पास ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, मतलब आज उसको आपको सेटल करके ही, मतलब होता है ना कि आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन जैसे ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट रहेगा, पास्ट इवेंट की वजह से कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइज हो रहा है, तो उसका सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सेटलमेंट करना होगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज व्हाट, लेट्स सी. It should be probable that outflow of resources will take place. आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसके वजह से मेरे resources से कुछ कमी होगी, outflow होगा. सिंपल था मतलब कि आने वाले समय मेरे को पैसा देना होगा, दैट इज व्हाट द आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, उसके बाद द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल है, ऐसा नहीं कि वो सर्टेन है, वो प्रोबेबल है. आप समझ रहे हो कि हाँ हो सकता है कि आपको पैसा देना पड़े, ठीक है. और तीसरी भी एक कंडीशन है कि ये जो मेजरमेंट है इसका किसका, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज पॉसिबल, मतलब इसका मेजरमेंट करना पॉसिबल हो, मतलब मटेरियल टर्म में हो. ऐसा नहीं कि आपको एक गाय देनी होगी, एक भैंस देना होगा, ऐसे नहीं. हाँ, ऑल दो गाय भैंस की भी एक वैल्यू है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ई मटेरियल ना हो जिसको आप अकाउंटिंग कर पाए, जिसका मेजरमेंट किया जा सके कि 10,000, 1,00,000, 10 करोड़, 10,000 करोड़, जो भी हो उसका एक मेजरमेंट. जैसे कि एप्पल और गूगल में अगर पेटेंट को लेके कोई फाइट हो गया, हुआवे और गूगल में कोई फाइट हो गया, तो वो एक मेजरमेंट कर लेते हैं कि हाँ मेरा लिटिगेशन में इसमें अगर फेल हुआ तो मेरे को इतना फाइन देना पड़ेगा. तो बेसिकली ये मेजरमेंट है और ये जनरली फुलफिल्ड रहता है. तो मेन जो दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दिस, जो दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए वो हैं ये और ये. अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट से अराइज हुई है और प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, तो आप प्रोविजंस बना सकते हैं. अब लेकिन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, मेजरमेंट. तो हमने कंडीशन की बात कर ली, अब बात करेंगे मेजरमेंट की.
एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कंडीशंस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स इट. नाउ टॉक अबाउट द, वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट पार्ट. अगला टॉपिक एंड द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ प्रोविजंस. पेन में कुछ चेंज कर लेना चाहिए ना थोड़ा बहुत, आई थिंक सो. लेट्स चेंज द कलर दिस वन. ओके मेजरमेंट ऑफ प्रोविजंस कैसे करेंगे, प्रोविजन का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे. उसमें लिखा था ना मेजरमेंट ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर, तो वो कैसे किया जाएगा, वो मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, आप कैसे करेंगे. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. ये बेस्ट एस्टीमेट पे मेजर किया जाता है. बेस्ट एस्टीमेट आप तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आपको क्या करना होगा, बेस्ट एस्टीमेट. अच्छी की राइटिंग नहीं थी इसलिए बेस्ट एस्टीमेट. अच्छा ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बेस्ट एस्टीमेट, बेस्ट एस्टीमेट, उसका एक रीजन है. रीजन बींग कि आप कोई भी फ्यूचर के इवेंट के, मतलब फ्यूचर के आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज में सर्टेन नहीं हो सकते, है कि नहीं. अनसर्टेनिटीज है ना, अगर सर्टेन हो गया तो लाइबिलिटी क्या लाएगी, प्रोविजन में क्यों आएगा. भाई आपका क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी हो तो क्रेडिटर में गया, प्रोविजन में क्या हो गया. प्रोविजन मीन्स देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट टाइमिंग, ऑकरेंस एंड अमाउंट, तीन चीज से ही. तो प्रोविजन का अगर आप मीनिंग याद करें तो हमने बात की थी कि अनसर्टेनिटीज होती है, तो उसके लिए हम बेस्ट एस्टिमेट की तरफ देखते हैं कि क्या बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है हमारे प्रोविजन का, ठीक है. और ये किसके द्वारा किया जाता है, दो महानुभाव कर सकते हैं इसको. एक तो भाई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये रहे भाई साहब मैनेजमेंट, एक नहीं बहुत लोग हो सकते हैं. और अगर नहीं होता है इनसे तो एक्सपर्ट बुला लो भाई साहब. कोई सीए फॉर्म ही हायर कर लो, वो शायद आपका काम कर दे, ठीक है. अगर इस दोनों से आपने एस्टिमेट ले लिया, अगर सपोज करो आप इन दोनों से एस्टिमेट ले लिए, बोले मेरे पास पैसे, वो चाहते हैं कि बेस्ट एस्टिमेट निकले, इसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से उन्होंने एस्टिमेट मंगाए कि क्या बेस्ट एस्टिमेट ऑफ प्रोविजन है. तो आप ये सपोज करो यहाँ पे आया से 15K, यहाँ पे आया 10K, तो आप कौन सा कंसिडर करोगे, तो ऑलवेज कंसिडर लोअर वन. एक्सपेंस का बात है भाई, एक्सपेंस ज़्यादा दिखा के आप अपना प्रॉफिट घटा सकते. जस्ट सेइंग बेस्ट एस्टिमेट में अगर ऑल्टरनेटिव्स है तो उस ऑल्टरनेटिव का लोएस्ट लेना है, ओके ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बता दिए 15 के बता रहे हैं और ये 10 के, तो वी विल कंसीडर 10 के, दैट्स इट. अब इसको करने की कुछ टेक्निक है, टेक्निक नहीं बेसिकली ways of doing this. What are the ways of doing this? Let's find out. तो ये रहा आपके भाई साहब बेस्ट, बेस्ट ही आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला नहीं, बेस्ट एस्टिमेट. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बेस्ट एस्टिमेट. अब थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा आर्ट दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं. आर्ट, यू अंडरस्टैंड आर्ट, कितनी आर्ट है मेरे अंदर. कुछ है, इट्स ओके. बेस्ट एस्टिमेट के लिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ. ड्राइंग तो आती नहीं उतनी. ओके हियर इट इज, थोड़ा सा स्पेस भी ले लेते हैं अपने.
तो बेस्ट एस्टिमेट करने की अगर कंडीशंस के वाइज है, जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर केसेस, अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर केसेस, मतलब एक लंबी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उसका, मतलब बहुत सारे डेटा आपके पास है, ठीक है, सिंगल वैल्यू इवेंट्स, और कोई सिंगल वैल्यू इवेंट है, मैं कट क्यों कर रहा हूँ, इरेजर तो है अपने पास, सिंगल वैल्यू इवेंट्स, लेट जूम इन, दूर से अच्छा नहीं लग रहा, जूम आउट, बहुत ज्यादा ही पास है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, अगर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर केसेस है, मतलब एक जैसे होमोजीनियस आइटम है, एक जैसा हर कोई है, मतलब सारे एसेट ही हैं, मतलब एसेट में प्रोविजन क्रिएट करना है तो सारे क्रिएटर ही हैं, सारा बेड, मतलब एक जैसा लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर होमोजीनियस नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, इस सिनारियो में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। हम बात करेंगे इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की, दिखाएंगे एग्जांपल के साथ, टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब। इसको अगर सॉल्व, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी कंसीडर की जाती है कि इतना अमाउंट की पॉसिबिलिटी है, मतलब 10 लाख की पॉसिबिलिटी है, तो उसका वेरिएंस का चांस कितना है, मतलब आने का चांस कितना है। सपोज मैं एक एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, तो इजी हो जाएगा आपके पास। अगर सिमिलर पॉपुलेशन की बात करें होमोजीनियस नेचर का, तो अगर कोई कंपनी, टेक इट इजी, मैं कुछ और सेलेक्ट कर रहा हूँ, हो जाएगा कुछ। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, इस तो सपोज करिए कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी वारंटी देती है ना, तो उसमें क्या रहता है, सारी एक जैसे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटीज ऑन प्रोडक्ट, सारा तो एक जैसा प्रोडक्ट रहता है। तो इस केस में क्या हुआ, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर केसेस, मतलब एक जैसे केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट, सपोज करो इसमें मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करेंगे कि मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब लॉस होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कंसीडर पॉसिबिलिटी, और उसका होने के चांस कितने हैं, तो इधर आ जाएगा लॉस वैल्यू। तो हमको क्या करना है, कंसिडर यहाँ पे वेरियस होगा, वेरियस पॉसिबिलिटीज, तो वेरियस पॉसिबिलिटीज, ये सपोज करो एक पॉसिबिलिटीज है ए, कोई बी, कोई सी, ठीक है, और उसके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के चांसेस कितने की, 20% चांस है कि होगा, 10% चांस है, 70% चांस है, ठीक है, और से वैल्यू इसका आ गया, इसका अगर पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे वैल्यूज है, ये चांसेस है, इनके वैल्यू निकाल ले, हालांकि हमारे लिए कैलकुलेशन नहीं आएगा, एग्जाम में से ये 1 लाख आ गया, ये 2 लाख आ गया,
ये 90,000 आ गया, तो चांसेस जिसके ज्यादा है, ये तो पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव मैटर है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में, सपोज करो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लॉस क्या होगा, मेरी कंपनी में 1,00,000 रुपया लॉस हो सकते हैं वारंटी के चलते, 1,00,000 का खर्चा बैठेगा, तो उसका चांसेस कितना है? उसका चांसेस है कि 80%, तो 80,000 रुपीज मेरे को एटलीस्ट फ्रोजन बना के रखना होगा वारंटी के लिए। तो सेम वैसे ही यहाँ पे, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, ये ज़्यादातर डिसाइड कौन करता है, अपना मैनेजमेंट ही इसका ऊपर फैसला लेता है, ठीक है, इसमें और कोई कुछ करता नहीं, बेसिकली मैनेजमेंट करेगा, नहीं तो एक्सपर्ट ओपिनियन लोग ले लेते हैं कभी कभी। और अगर सिंगल वैल्यू इवेंट है तो वो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसमें तो दूसरा मेथड लगा, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगा था, इसमें जो मेथड लगेगा उसका नाम होगा मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। कितना अच्छा नाम है, और नाम से ही क्लियर हो जाता है कि मोस्ट लाइकली कौन है, मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड, इसमें कुछ करना है तो बस इतना ही कि ये लोग सोचेंगे कि कौन सा केस, बहुत सारे केसेस होंगे जो कि मोस्ट लाइकली है, मतलब आपको क्या लगता है कि 10-20, किसी को 10 लगेगा, किसी को 20,000, किसी को 40,000, ये केसेस टू केसेस डिपेंड करेगा, तो उस केस पे डिस्कशन होगा और उसमें से जो इनको लगेगा कि हाँ ये वाला लग रहा है कि हाँ इतना तो एटलीस्ट हो गई, इसमें आप प्रोबेबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा के आप निकाल सकते हैं, टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर नहीं, ठीक है, मतलब एज एन ऑडिटर अगर हम सोचें तो हमारे ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहता चीज़ें, ये टोटली का टोटली मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि आपके पास दो केसेस है कि आप कोई केस है जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, आप बोले जीतेंगे तो मेरे पास जीरो, मेरे को कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो ये भाई साहब बहुत खुश है, और ये भाई साहब बड़े दुखी हैं कि 10,00,000 रुपये का मेरे को फाइन देना पड़ सकता अगर हारे तो, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा, मैनेजमेंट को जो लगा कि हाँ इन दोनों में से कौन सा सही है वो चूज करेगा, मतलब मोस्ट लाइकली कौन लग रहा है, जो मोस्ट लाइकली लगेगा वो उनको चूज करेंगे, ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट है इसमें, राइट्स ऑन प्रोविजंस, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें एक कॉन्सेप्ट है राइट्स ऑन प्रोविजन। अगर राइट है, जैसे रिकवरी राइट हो गया आपका, लोग बोलते हैं ना कि रिकवरी कर सकते हैं हम इनसे, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है कॉन्सेप्ट में, राइट ऑन प्रोविजंस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है रिकवरी राइट, जैसे कि आपको शर्टेन है कि रिकवरी होने वाली है, इसमें भी दो पार्ट है, जो रिकवरी है वो शर्टेन लग रही है कि आप प्रोविजन तो बना रहे हो लेकिन उसमें से कुछ रिकवरी है, रिकवर आप कर लोगे, अदर केसेस, ठीक है। रिकवरी का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस आपको लग रहा है 10,00,000, लेकिन कुछ बेनिफिट भी आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ चीज़ें रिकवर कर लेंगे, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें इसको जब तक ये फंक्शनल रहेगा, जब तक हमारे पास ये पेटेंट रहेगा, राइट रहेगा, तब तक वहाँ से कुछ रिकवरी भी हो जाएगी,
तो वो सिंपल सा बात है कि जो आएगा उसको आपको घटा के प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा मेक प्रोविजन नेट ऑफ रिकवरी, रिकवरी का जो नेट फिगर होगा उसके हिसाब से। सपोज करें 10 में से 2 आपका रिकवर हो जाएगा तो 8 पी आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अदर केसेस में मेक प्रोविजन फॉर फुल अमाउंट, देर इज नो सच क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिकवरी आप सर्टेन नहीं है इसमें ना, वहां पे तो सर्टेन थे, अगर यहाँ पे आप सर्टेन नहीं है तो आप शो कर सकते हैं रिकवरी को एज कंटिंजेंट एसेट, नॉट करेंट एसेट, कंटिंजेंट एसेट। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें अगर कोई प्रोविजन है, कोई आप अगर डील करते हो तो उसमें कोई प्रोविजन आप लॉस का बना के रखे हो, लेकिन उसमें कुछ रिकवरी भी है और उसमें शॉर्टेन हो कि इतना रिकवरी तो कर लूंगा, इतना लॉस है लेकिन इतना रिकवरी तो हो जाएगा। तो जब शॉर्टेन हो तो नेट करके प्रोविजन बनाओ, सिंपल सा बात है। जैसे बैड डेट है, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हम बनाते हैं, तो 10 लाख का प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे आपको लग रहा है, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि एटलीस्ट 20% तो रिकवर कर लूंगा इस बैड डेट का। ऑफर देख के कि आपको 20% ऑफ में पेमेंट कर दो, कॉस्ट का ही पेमेंट कर लो, लग के अपने को रिकवरी लग रहा है कि 8 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब अनसर्टेन हो रिकवरी के लिए तो आप रिकवरी को एज अ कंटिंजेंट एसेट आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये रहा रिकवरी का केसेस, आई मीन इसमें एक और केस है रिकवरी दूसरे टाइप की अगर है तो अर्निंग, जैसे कि अर्निंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो कि इतना इसमें लॉस होने वाला है, उसमें कुछ अर्निंग भी हो सकती है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिकवरी का अलग ट्रीटमेंट होता है, इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो नो ट्रीटमेंट। अगर इसको एक बार रिवाइज कर दें आपको तो इजी हो जाएगा। राइट ऑन प्रोविजन, उसमें एक राइट हो गया रिकवरी राइट आपका, कि आपको लग रहा है कुछ रिकवर होने वाला तो शर्टेन है आप, तो उसको क्या कर लीजिए, नेट फिगर बनाइए, नेट ऑफ रिकवरी करके प्रोविजन बनाइए। अगर शर्टेन नहीं है फिर भी आपको लग रहा है रिकवरी हो सकती है तो यू कैन क्रिएट अ कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। और अर्निंग और कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपका राइट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आपका अर्निंग का राइट है, तो उस केस में कोई ट्रीटमेंट वैसा होने वाला नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक क्या पढ़ा, आज हमारा शुरुआत हुआ था, इतना छोटा कैसे लगने लगा। इंडेस 37, जी हाँ ऑफकोर्स, प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटीज। कंडीशंस के बारे में हमने बात की कि 3 कंडीशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जी हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और उसका मेजरमेंट फुलफिल होगा तो हम बना देंगे प्रोविजंस। मेजरमेंट करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से अगर रिलेट किया जाए तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। अप्रोचेज मतलब दो कंडीशन में दो तरीके से होगा। सिंगल इवेंट है तो मोस्ट लाइकली आउटकम पर डिस्कशन करके हम बात करेंगे। उसके बाद अगर होमोजीनियस टाइप का लार्ज पॉपुलेशन, मतलब सिमिलर टाइप्स के लार्ज पॉपुलेशन है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रिकवरी मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको चांसेस देखने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे कि कितना कितना पॉसिबिलिटी और चांसेस से इंटू करके आप उसका वैल्यू क्रिएट, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की एक लॉ शूट था, लॉ शूट अगर हारेंगे जीतेंगे तो वो आपका आ गया मोस्ट लाइकली आउटकम वाले फॉर्मूले में। अगर आपने वारंटी पे कोई प्रोडक्ट दिया है तो होमोजीनियस नेचर का है, तो उसका लॉन्ग टर्म में सेम प्रोडक्ट रहने वाला है, तो आपको उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर उसके चांसेस ऑफ आउटकम, मतलब होने के चांसेस को मल्टीप्लाई करके। जैसे सपोज करो 1 लाख रुपये आपको लग रहा है कि हाँ 1 लाख रुपया मेरे को इस कंडीशन में लगेगा, मतलब वारंटी का खर्चा लगेगा, और लेकिन हम उस पे 80% श्योर है, 80% चांस है, तो 80,000 का प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में
एक एक करके हम लोग स्पेशल केसेस डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्पेशल केसेस पे आते हैं। जैसे कि एक क्वेरी जैसे आती है कि क्या हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे प्रोविजंस को। आपको लग रहा है कि कोई एक प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो 12 महीने के बाद है रिपोर्टिंग डेट से, तो आपको प्रोविजन को डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात करें तो हमारा जो इन डेज है, इसमें कंडीशन थी ना प्रोविजन को बनाते वक्त कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन तो आ गई लेकिन मेरे को इस तरीके से पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको डिस्काउंटिंग करनी चाहिए। डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजंस कब होगा? इफ प्रोविजंस एक्सपेक्टेड टू शटल बियॉन्ड 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन अब जो ये पीरियड है ये अगर निश्चित ना हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो, जैसे वेरी लॉन्ग पीरियड हो, वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है मतलब बहुत लंबा पीरियड हो, ठीक है, और ई मटेरियल हो, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब तक पेमेंट करना हो, लाइफ टाइम पेमेंट ही करना पड़े, तो इस केस में आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल डिस्कशन की एक पॉइंट है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ये तो सिंपल सा आपका SFM का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा फ्यूचर्स की वैल्यूज को डिस्काउंट करके प्रोविजन बनाते हैं अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि भाई साहब ये पीरियड बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग पीरियड और इमेटेरियल है, मेरे हिसाब से लग रहा है कि बहुत दिनों तक चलेगा, वी कैन नॉट इवन एस्टिमेट कि कब तक चलेगा। तो उसके लिए आपको बस एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में आपके कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। एक पॉइंट और कि क्या, जैसे आपने डिस्काउंटिंग तो कर दिया बट कुछ फैक्टर्स बदलते रहते हैं, कुछ अमाउंट्स बदलते रहते हैं, तो उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोविजन शुड बी रिव्यूड ईच ईयर। जो आपका प्रोविजन है शुड बी रिव्यूड हर साल, ईच ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी आपके प्रोविजन है शुड बी रिव्यूड ईच ईयर, हर साल हर बार आपको रिव्यू करने पड़ेंगे प्रोविजंस, इससे उसकी फेयर वैल्यू आएगी। इसका क्या मकसद क्या है? टू जनरेट द फेयर, टू गेट द फेयर वैल्यू। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, टू गेट द फेयर प्रोविजन, फेयर वैल्यू ऑफ प्रोविजंस, दैट्स इट। These all are the points of the measurement and general discussion. So what we have discussed till now is the scope, application, meaning, conditions, measurement. Now we are moving ahead to the special cases. There are some special cases which we will discuss one by one. And I think I should take a look at the time first. It is 35 minutes. I guess it will be okay. If we can discuss one or two. Let's say special cases, मैं पहला केस लेते हैं कि करके
हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं वो करेंगे, लेकिन अभी हमें कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी फिर डिस्क्लोजर। आप अगर पूछो कि अभी क्या बचा है, तो स्पेशल केसेस के बाद वी विल डिस्कस कंटिजेंट एसेट, उसकी मीनिंग, उसके बारे में थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद कंटिजेंट लायबिलिटी, देन वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्लोजर, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, उसको सॉल्व भी करेंगे, डिस्कस नहीं सॉल्व भी किया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्पेशल केस देखते हैं। जैसे कि एक केस है, स्पेशल है, तो थोड़ा बहुत तो आपको अजीब लगेगा ही, तो बी ए दैट, ऐसे हम ये बनाया करेंगे जिस तरीके से प्रोविजंस फॉर इन्वायरमेंटल रीजन स्लैश इन्वायरमेंटल प्रोविजन इसको बोलते हैं, कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोविजंस इन्वायरमेंटल रीजन जैसे क्या हो सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे कोई पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर है आपका कि आने वाले वक्त में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा सिचुएशन को सही करने के लिए, तो उस केस में आप क्या प्रोविजन बनाओगे? जी नहीं, डू नॉट क्रिएट प्रोविजन। भाई किसको फर्क पड़ता है, चल रहा है तो चलने दो, कंपनी अपना प्रॉफिट क्यों घटाए? हाँ टैक्स की सेविंग होगी, लेकिन उसको पैसा फिर वहां पे रिलीज भी तो करना होगा। लेकिन अगर ये एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं, इफ सच एक्टिविटीज, ये पोल्यूशन कंट्रोल की एक्टिविटी में दो चीज अगर आ गया, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अगर इसमें लीगल सरकार आपको बोल दे और आपने अगर बोल दिया ऑब्लिगेशन, क्या हो रहा है इसका, कहने का मतलब है कि अगर सरकार बोल दी कि आपको पोल्यूशन का ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो आपको पोल्यूशन का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, जितना बड़ा आपका फैक्ट्री उतना बड़ा दिल भी होना चाहिए, हाँ लाइक दिस। ऐसी तो सरकारें बोलती नहीं, बोले कि मेरे को चंदा दे दो सारा काम कर देंगे हम तेरा बड़े लेवल पे ऐसे ही होता है, बट हम लोग को कुछ पता चलने ही नहीं दिया जाता, सिर्फ बोला जाता है कि साहब ठीक चल रहा है, लेकिन ऊपर सरकार तो कॉर्पोरेट ही चलाते हैं, बट ठीक है अपने को तो जियो मिल ही रहा है फ्रीडम मिलनी चाहिए और कुछ नहीं, कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ और डिस्कशन करने लगे, ये नहीं करना है अपने। प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल रीजन, इन्वायरमेंटल प्रोविजन, सिंपल सा बात है, जब ये लीगल हो, लीगली आप बाउंड हो तो आप प्रोविजन बना सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो, मतलब वैलिड एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट किया है तो आप प्रोविजन इसके लिए बना सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी क्या होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपको वाटर प्यूरीफायर तो नहीं बोलेंगे, वाटर के जो क्या लगते हैं, मतलब फैक्ट्री से जो पानी निकल के जाए और क्लीन होके नदी या फिर नालों में गिरे कहीं, तो वो सारे आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, पेड़ पौधा लगाना पड़ सकता है आपको, और भी बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ वो आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो अगर लीगली तौर से आपको बोले जाएगा और आप खुद मतलब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया तभी बनाना है, ऐसे नहीं कि वॉलंटरी आप बना लो, ठीक है। बात तो वही है, जब तक लीगली नहीं होगा तो कब तक कौन प्रोविजन बनाएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है यही है। अब दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, ये बी कहाँ से आ गया भाई, तो पॉइंट्स थे ये पॉइंट, ये
अगला गया होगा स्पेशल केस, अगर आप बता दे तो। हम सब का प्यारा दुलारा सीएसआर एक्टिविटीज, सारी कंपनियों को बाउंड टू डू सीएसआर एक्टिविटीज। अगर आपने इफ सीएसआर इज नॉट, अगर आपका जो सीएसआर है इज नॉट स्पेंड, आपने उसको खर्च नहीं किया, इफ सीएसआर इज नॉट स्पेंड देन फॉर अनस्पेंट अमाउंट, अनस्पेंट अमाउंट प्रोविजन इज नॉट रिकॉर्ड, फिर उसके लिए प्रोविजन्स नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास सीएसआर का फंड है लेकिन आपने उसको खर्च नहीं किया अभी तक, देन फॉर अनस्पेंड अमाउंट प्रोविजन इज नॉट, उसके लिए प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन आपके पास फंड है सीएसआर, आपने लगाया नहीं लेकिन आपने लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोविजंस, मतलब उसको क्या बोलेंगे सीएसआर एक्टिविटीज ऑलरेडी अंडरटेकिंग, ऑलरेडी अंडरटेकिंग है मतलब चल रही है, पहले से ही चल रही। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये सीएसआर एक्टिविटी आपकी चल रही, तो आप इसका प्रोविजन बना सकते हैं, आप इसका प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज ऑलरेडी अंडरटेकिन मतलब पुरानी एक्टिविटी। अब इसमें कौन सी वजहों से, जैसे जैसे आपको एग्जांपल अगर देना पड़े मेरे को तो क्या दूंगा मैं एग्जांपल, कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे गांव में आप कोई स्कूल चला रहे हो, पेड़ पौधा लगाने का सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो, विलेजेस में जाके पेड़ पौधा लगा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट मतलब रोड के चारों तरफ आप लगा रहे थे, तो किसी का रोड था बगल में, उसने बोला कि भाई ये पौधा लगाओगे तो मेरे खेत की फसल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको मैंने नहीं लगाने दूंगा, आपके ऊपर मैं केस कर दूंगा, तो डिस्प्यूट हो गया ना वहाँ पे, डिस्प्यूट हो गया कोई पार्टी के साथ, विद पार्टी। और एंड ट्रांजेक्शन जो भी है रिलेटेड टू सीएसआर, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई डिस्प्यूट हो गया है या फिर कोई दिक्कत हो गई आपको, जिसकी वजह से आपको लीगल हेल्प या कुछ लेना पड़ रहा है, आपको लॉस सहना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप बना सकते हो सीएसआर। फिर बात करते हैं अगले स्पेशल केस के बारे में, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना ज़रूरी है, थोड़ा सा ही बट करना तो ज़रूरी है ना भाई। मैंने एक ही बार पेन चेंज किया, अभी तक ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ, बताओ अच्छी बात नहीं। ये है एक्सपेक्टेड सी है ना, कोई आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न लग रहा है, आई एम सॉरी एक्सपेक्टेड रिफंड, मैं वैसे काटा क्यों, ऐसे भी तो लिख सकता था ना, एक्सपेक्टेड रिफंड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रिफंड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ये स्पेशल केस है तो नाम भी स्पेशल ही होगा, समझ रहे हो, डिस्काउंट टू भी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, गिवन टू ठीक है, एक्सपेक्टेड रिफंड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू बी गिवन टू कस्टमर। अगर कोई एक्सपेक्टेड रिफंड है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू बी गिवन, मतलब आने वाले समय में कस्टमर को मेरे को एक एक्सपेक्टेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। सपोज करो स्वामी आने वाले वक्त में बोली कि मैं 50% फ्लैट ऑफ कर दूंगी अपने फ़ोन पे,
जैसे K20 प्रो आया है वो 28,000 का है, उसको 14,000 पे ला दो क्योंकि पॉसिबल नहीं है। उनका K20 आया 22,000 पे, अगर उसको 11,000 पे कर देंगे। हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू बी गिवन टू द कस्टमर, वो सोच रहे हैं कि 50% मेरे को आने वाले समय में डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड हमें रिफंड देना पड़ेगा। अमेजन वाले बोलते हैं कि भैया 100 लोग ऑर्डर करते हैं तो एक आदमी बोलता है मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए और रिफंड ले लो, ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो वैसा है। ठीक है, अगर ऐसी उनकी पॉलिसी है कि एक्सपेक्टेड मतलब वो रिफंड देने की पॉलिसी है, अगर कंपनी की क्या पॉलिसी है, कोई कंपनी जिस जैसे कि हमारे पास अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, पॉलिसी ऑफ रिफंड, ठीक है, और पॉलिसी ऑफ गिविंग डिस्काउंट ऑन फ्यूचर सेल, ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड की बात करें, आज होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं प्रोविजंस, प्रोविजंस कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोविजंस के जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या थी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और उसका मेजरमेंट, तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको लगता है कि भाई हाँ रिफंड की पॉलिसी है और फ्यूचर में मतलब डिस्काउंट देने की, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन है, MI.com भी है अभी, और क्या वन प्लस का भी, मतलब जिस जो कंपनी है अपना माल बेचती है और रिफंड के लिए उसकी एक पॉलिसी है कि भाई 10 दिन में रिफंड कर देंगे, 30 दिन में रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो वो अब उसके हिसाब से अपना प्रोविजन बना सकते हैं। और उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, उसका मेजरमेंट करने के लिए मैनेजमेंट बैठा हुआ है, दो टेक्निक है, दो मेथड है, दो टू वे ऑफ थिंकिंग है जिसको हमने पढ़ा मेजरमेंट में, फिर उसके हिसाब से वो बना सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको है क्या? क्यों होंगी भाई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनको समझ के। एक है बड़ा इंटरेस्टिंग वन, दैट द नेम इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग, व्हाट द नेम, ये अपना डी पॉइंट हो गया स्पेशल केसेस में। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे इसको, हिंदी सोच रहे हैं इसका, बोलेंगे दागी कॉन्ट्रैक्ट्स। हाउ इट डस फील, पहले की एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं, इजी होगा। सपोज करो एक बिल्डर है, ठीक है, उसमें आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, 3 ईयर का लॉग इन पीरियड है, 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसका रेंटल होगा 3 लाख से पर एनम, लेकिन अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिल्डर के साथ कि हम घर बनाएंगे, इसका फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या सिनेरियो होगा कि जो एंटिटी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट्स इट्स यूज, एंटिटी को उसका कोई भी यूज समझ में नहीं आ रहा है, वो नेदर इट कैन रेंट टू अदर्स, और ना ही वो किसी को रेंट पे भी नहीं दे सकते, ना बेच सकते ना रेंट पे दे सकते. तो उस केस में क्या हमें शुड वी क्रिएट प्रोविजन ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट का? मतलब पहले तो ठीक था, लेकिन उसको उसके बाद लगा कि भाई अब ये जो हम जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, जिस एक्सपेक्टेशन से हम ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही, मीट नहीं कर रही. ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आप प्रोविजन बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट प्रोविजन, वैलिड रीजन भी है भाई, मेरे को लगा था कि ऐसा ऐसा होगा लेकिन हुआ नहीं, तो नाउ यू कैन मेक प्रोविजंस. समझ रहे हैं? ऑल दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, अब वो कितना का बनेगा कितना का नहीं बनेगा तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा. अगर उसमें से आप कुछ रिकवरी कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या नज़र आ रहा था, आप कितना सोच रहे थे कि 30,000 कमाएंगे पर एनम, मतलब 3,00,000 पर एनम कमाएंगे आप सोच रहे थे ना, 3,00,000 इंटू 3 कर लीजिए 9,00,000. अब आपको लग रहा है कि 9,00,000 तो भैया गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, तो आप 9,00,000 का प्रोविजन बना लीजिए. ठीक है, तो ये तीसरा किस्सा. अब बात करते हैं, चौथा किस्सा, अगला स्पेशल केस. स्पेशल आजकल चल रहा है, स्पेशल बिरयानी है, जो वेगन है, वेज बिरयानी है, नॉन वेज नहीं है. ठीक है, ज़्यादातर तो पता नहीं, छोड़ो, जजमेंटल क्यों है. ओवरऑल अगर कोई भी मशीन है, हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, कलर चेंज ही कर लेते हैं यार, क्या बोल रहे हो, इसको इरेज करते हैं इस बार. कट कर दे, सेलेक्ट नहीं हो रहा इरेजर. नाउ वी कैन गो. चलो, अगर हम कोई भी, ये तो बड़ा कलर अच्छा चूज नहीं किया, ये ठीक है. ओवरहॉल क्या बोले, ओवरहॉल ऐसे कौन बोलता, ओवरऑल ऑफ मशीन, मशीन की बेसिकली रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग होती है, और या स्लैश में आप लिख दो रिपेयर ऑफ एसेट, मशीन की, क्यों सारे एसेट की बात करते हो. तो इस केस में क्या प्रोविजन बना सकते हैं? सो आंसर इज नो. आपको लग रहा है फ्यूचर में आपको रिपेयरमेंट कराना पड़ेगा, ओवरऑल का खर्चा होगा, आपको देना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं फ्यूचर में, तो क्या आप उसका प्रोविजन बना देंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एंटिटी के पास एक अल्टरनेटिव उपलब्ध है. क्या है? उसको रीसेल कर दें. आपको अगर याद हो, हमने क्या बोला था, एक बात बोली थी, इसका नाम था ऑब्लिगेटरी इवेंट. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बोला था जो कि चीज़ें पास्ट इवेंट के वजह से अराइज हुई हैं, और वो इवेंट ऑब्लिगेटरी इवेंट होते हैं जो कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सेटल करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा प्रोविजन का. मतलब आपको उसको सेटलमेंट करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. यहाँ पे तो आप मशीन बेच भी सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते, एज सिंपल एज दिस.
Now move to the next one. जैसे कि एक हमेशा हॉट टॉपिक रहता है कलर, तो फिर से हम वही यूज करेंगे. अब जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशंस स्लैश सेल ऑफ, ना बड़ा पॉइंट है, ऑफ ऑफकोर्स एंटिटी. ये रहा एंटिटी. ओके, तो डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशंस, सेल ऑफ डिवीजन, अगर इन सारी केसेस रहे तो क्या इस केस में आपका प्रोविजन बनेगा? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि क्या इन केसेस में प्रोविजंस बनेंगे. तो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि जब पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई भी एंटिटी अपना बिजनेस रीस्ट्रक्चर कर रही है, ये एफ था, व्हेनेवर, जब भी एनी एंटिटी इज रीस्ट्रक्चरिंग, क्या अपना बिजनेस, देन इट शुड व्हाट, मेक प्रोविजंस. बट वेट, देयर इज अ इफ. If obligating event has taken place, अगर obligating event take place हो गया है, मतलब past की वजह से आज लग रहा है कि सिर्फ settlement करना ही एक उपाय है, obligating event has taken place. Obligating event मतलब पास के कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमें उसको सेटल करना है. जिसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स डिटेल्ड फॉर्मल प्लान has been made, पहले से ही प्लान बना हुआ है, which creates valid expectation, सही बात है, which creates valid expectation, valid expectation create करता है कि हाँ ये कंपनी में मैंने पैसा, मतलब इस कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो आने वाले फ्यूचर में मेरे को पेमेंट मिलेगा ही, तो या फिर कंपनी ने गारंटी दिया है या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि भाई आपको उसका पेमेंट करना है. जनरली क्या होता है, आप कोई अनाउंसमेंट कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर लिखा जाए तो क्या हो गया, वैलिड एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि आप कोई अनाउंसमेंट कर देते हो सबके सामने कि हाँ आप सभी का पेमेंट होगा, मतलब पैसा मिलेगा भैया. आपको प्रोविजन बनाने पड़ेंगे एक्सपेंस के लिए उस समय, और जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, उसका प्रोविजन बना सकते हो, फॉर एक्सपेंसेस नेसेसरी किसके लिए बताइए भाई, बताओ रिस्ट्रक्चरिंग
अब फॉर एग्जांपल लाइक स्पेशल स्टाफ अपॉइंटमेंट, फॉर कोई स्पेशल स्टाफ आप अपॉइंट करते हो भाई, आपको तो रिस्ट्रक्चर करना है ना, तो उसके लिए स्पेशल स्टाफ लगेगा किस काम के लिए? रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। कंसल्टेंट फीस देते हो, कोई सीए का हायर करते हो या फिर कोई ऐसा फॉर्म हायर करते हो जो इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है, एटसेट्रा। बट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके प्रोविजन यहाँ पे नहीं बनेंगे, उनके प्रोविजन के लिए इंडियस 103 है, ठीक है, समझे आप? अगर कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गया बट नो स्ट्रक्चरिंग, नो रीस्ट्रक्चरिंग टेक प्लेस, ये बाइक जा रहा है, क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हमें इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोविजन अमाउंट। तो उस केस में हमें इसे प्रोविजन अमाउंट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और भी जब रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो उसमें जो हमारा रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस रहता है, जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग जो रीस्ट्रक्चरिंग पर्पस के लिए हायर की गए, या फिर कंसल्टेंट फीस जो हो गया, लेकिन इस एक्सपेंस में हमें कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूड करनी चाहिए, तो उसको क्या लिस्ट होगा? डू नॉट इंक्लूड। फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसका रीजन भी है कि भाई आपने जिस काम के लिए करना चाहिए उस काम का के लिए अगर हायर किया, उस काम के लिए खर्चा हो रहा तब आप करो। सपोज करो आप अपने स्टाफ को ये रीट्रेनिंग देने लगे और बोले कि इसका भी प्रोविजन बनाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको स्टाफ रीट्रेनिंग, आपका तो एसेट हो गया ना स्टाफ, आप उसको बाद में यूज़ करोगे, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो है नहीं। आप मार्केटिंग करते हो उसकी, उस चीज़ का, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस का भी कुछ नहीं होगा, मतलब इट शुड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन अमाउंट। कोई एक्सपेक्टेड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट शुड नॉट बी शट ऑफ अगेंस्ट कॉस्ट। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी सेल ऑफ एसेट आप रिस्ट्रक्चर करते हो ना, तो आप क्या करते हो, एसेट को बेचते हो, तो उसमें आपको गेन नजर आता है, तो उस गेन को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट कॉस्ट, कॉस्ट के अगेंस्ट उस गेन को अलग दिखाना होगा और कॉस्ट को अलग दिखाना होगा। आप प्रोविजन में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और कोई नया सिस्टम लाए हैं, न्यू सिस्टम कॉस्ट, इसको तो एकदम इंक्लूड नहीं कर सकते। ये सारे तो बेसिकली आपके एसेट है ना, ठीक है। फिर आता है आपका और एक स्पेशल पॉइंट जिसका नाम है वारंटी प्रोविजंस। इस केस में आप प्रोविजन बना सकते हैं किस मेथड से? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन है सारे होमोजीनियस ट्रांजेक्शन से, एक जैसे, मतलब एक जैसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है। इसको कैसे करते हैं, हमें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, एक्सप्लोर
पॉसिबिलिटीज, और पॉसिबिलिटीज में चांसेस क्या हैं उसके वो दिखा निकाला जाता है, फिर आता है लॉस वैल्यू, और इस लॉस वैल्यू का बनता है प्रोविजंस। ठीक है, अब आता है अपना लास्ट स्पेशल केस, लास्ट मतलब इस लास्ट के बाद आपका क्लास लास्ट मतलब ख़त्म आज का। फिर आगे हमने जैसे बोला कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस 37, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है, और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वो भी कवर करने हैं। ठीक है, लास्ट इज लीगल डिस्प्यूट्स और कोर्ट केसेस। तो जैसे कि लीगल डिस्प्यूट जो हुआ है कोर्ट केसेस की वजह से, मतलब कोर्ट केसेस की वजह से आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, इसमें एक चीज़ आपको ये तो जनरली पता ही, आपको लीगल डिस्प्यूट और कोर्ट केसेस में आपको प्रोविजन बनाना है। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, इट इंक्लूड्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो भी आप उसका प्रोविज़न बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इतना एक्सपेंस होने वाला है, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो हर जगह कंडीशंस ऑफ द प्रोविज़न शुड बी सेटिस्फाइड। सो जस्ट टू कंक्लूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, लेट्स रीकैप वंस अगेन। We have started from India's 37 conditions. Condition present obligation, future में outflow of resources होना चाहिए, measurement करेंगे उसका, possible हो measurement, ज़्यादातर possible ही रहता है, ये conditions हो गए। फिर measurement दो तरीके से हो सकता है, expected value method, जिस जब सारे homogeneous transaction रहे उसकी possibility, chances और loss value फिर निकालेंगे उसको into करके। सिंगल वैल्यू इवेंट्स है, सिंगल वैल्यू इवेंट्स में क्या होगा मोस्ट लाइकली आउटकम, अपने विन और लॉस मतलब जो होगा उसमें बैठ कर डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके राइट ऑन प्रोविजन, अगर कोई रिकवरी राइट है आपके पास तो जो रिकवरी होगी तो उसका नेट वैल्यू निकालेंगे, अगर सर्टेन रिकवरी है तो अगर नेट वैल्यू का प्रोविजन बनेगा, अगर सर्टेन नहीं है तो आपको फुल अमाउंट का बनाना पड़ेगा प्रोविजन्स। और अर्निंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्यूचर में अर्निंग होने वाली तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नो ट्रीटमेंट है। इंडियस 37 फिर बात करता है हमारा कुछ जनरल पॉइंट्स की, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, जी हाँ 12 मंथ्स के बियॉन्ड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मटेरियल है और वेरी लॉन्ग पीरियड है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक डिस्क्लोजर चिपकाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, ओके, वेयर आर यू गोइंग। प्रोविजन शुड बी रिकवर्ड ईच ईयर, आई एम सॉरी रिव्यूड ईच ईयर, हर साल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर साल आपका प्रोविजन रिव्यू होना रहेगा, होना चाहिए। स्पेशल केसेस में एक एक करके हमने बात किया बहुत सारे पॉइंट्स। पहला आया था प्रोविजन इन्वायरमेंटल रीजन के लिए, अगर लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तभी आप प्रोविजन बनाए, ऐसे नहीं बनाए। CSR एक्टिविटी में अगर कोई भी काम ऑलरेडी अंडरटेकन है तब वहाँ पे आप प्रोविजन बना सकते हैं, जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टी के साथ, आपका पुराना काम चला तो वहाँ पे आप प्रोविजन बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिफंड, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे कि कोई रिफंड पॉलिसी आपकी है, डिस्काउंट देने की पॉलिसी है, तो आने वाले समय के लिए आप उसके लिए भी प्रोविजन बना सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन इसकी एग्जाम्पल आपके लिए हो सकते हैं। और ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले तो सही था, बाद में खराब हो गया, दागी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो आपका लॉस है, जैसे कि पहले मैंने बोला था कि 30-30 लाख रुपये 3 लाख रुपए पर एनम कमाएंगे, बिल्डिंग बना गया आराम से, लेकिन वो हुआ नहीं, बाद में पता चला ऐसा तो होगा नहीं, तो आप उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। आप ओवरऑल और ओवरऑल मशीन रिपेयर करते हैं तो उस केस में आप मशीन रिपेयर का जो एक्सपेंस है उसके लिए आप प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि वो रिसेल किया जा सकता है, जबकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट बोलता है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता अभी बचा हुआ है, जो कंडीशन है कि एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ सेटलमेंट करना है। डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशन सिर्फ एक ही टर्म है, अगर आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो व्हेन एनी एंटिटी रीस्ट्रक्चरिंग इट्स बिजनेस तो उसका अलाउड है, प्रोविजन बनाइए, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है,
इफ ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज टेकन प्लेस, मतलब एक ऐसा इवेंट टेकन प्लेस हो गया है ऑब्लिगेटिंग इवेंट, मतलब आपको बस सेटलमेंट करना और कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं है. दिस मीन्स कि डिटेल फॉर्मल प्लान ऑलरेडी मेड, पहले से ही प्लान मेड है कि आपको क्या क्या करना है, और वैलिड एक्सपेक्टेशन उससे क्रिएट हो जाती है. वैलिड एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जाम्पल कि आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि पेमेंट होगा सबका, ठीक है. फॉर एक्सपेंसिस नेसेसरी फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप प्रोविजन बना सकते हैं जो एक्सपेंसिस जरूरी हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए. जैसे कोई आपने स्पेशल स्टाफ हायर किया तो रीस्ट्रक्चरिंग पर्पस के लिए जो किया वही कंटिंजेंट सॉरी कंसल्टेंट फीस जो है उसके लिए. बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे, वो इंडियस 103 में डिस्कस होंगे. एक्सपेंसिस नो रिस्ट्रक्चरिंग टेकन प्लेस, अगर आप कोई एक्सपेंस किया और रिस्ट्रक्चर टेक प्लेस नहीं हो तब उसके लिए आप प्रोविजन नहीं बना सकते. कुछ एक्सपेंसेस जो आपको एक्सक्लूड करने चाहिए, जो स्टाफ की रीट्रेनिंग आपने कराई है रिस्ट्रक्चरिंग पर्पज के लिए, आपके पुराने स्टाफ के लिए उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग पर्पज के लिए हायर किए गए स्टाफ का ही प्रोविजन क्रिएट हो सकता है. मार्केटिंग एक्सपेंस आपने क्रिएट किया हो, मतलब दिया हो, और एक्सपेक्टेड जो गेन है सेल ऑफ एसेट से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते कॉस्ट के साथ. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, न्यू सिस्टम कॉस्ट, नया सिस्टम फ्यूचर का ऑपरेशन का लॉस या फिर नया सिस्टम कॉस्ट, उसके लिए भी आप प्रोविजन नहीं बना सकते बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के केस में. वारंटी प्रोविजन आप बना सकते हो. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से होमोजीनियस, जिसमें आप पॉसिबिलिटी फिर चांसेस और लॉस वैल्यू निकालते हो. लीगल डिस्प्यूट कोर्ट केसेस, लीगल डिस्प्यूट और कोर्ट केसेस में आप प्रोविजन बना सकते हो. इसमें एक और अच्छी बात यह है कि आप का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अगर कुछ चल रहा है डिस्प्यूट तो उसके लिए भी आप प्रोविजंस बना सकते हो. आपका अब अगला क्वेश्चन होगा कि आने वाले वीडियोस में हम क्या देखेंगे. आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी की, उसके मीनिंग की, कंटिंजेंट एसेट की, फिर हम बात करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, हमारा इंडिया 37 हमसे क्या क्या डिस्क्लोजर मांगता है. सो तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारी और वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वो क्या बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ठीक है. शुक्रिया.